तो स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से अंकों का मूल्यांकन होगा, किस आधार पर हम लोगों को फाइनल नंबर मिलेंगे और कितनी एक्सपेक्टेड मेरिट जा सकती है। और तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डाउट था किस प्रकार से इन लोगों ने नंबर को कैटेगराइज किया है कि कितने मार्क्स कौन सी कैटेगरी के अंदर होने चाहिए और कितने मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे एक्सपीरियंस के आधार पे और आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक डाउट था कि क्या एग्जाम भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये मेरिट बेस पे वैकेंसी है। लमसम दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो 2000 के लमसम ये वैकेंसी हो सकती है कि आगे कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों ये समझाने के लिए जो डाटा तैयार किया है इसके अंदर हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मानिए नर्सिंग ऑफिसर 2022 में चयन किस प्रकार से होगा, मेरिट 70+30 100। आपके यदि ट्वेल्थ में, अगर मान लीजिए आपके ट्वेल्थ में 100% नंबर है तो आपको 100 का 35%, तो ये 35% आपको मिल गया। और आपके नर्सिंग या जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किसी में भी आपके 100% है तो उसका भी आपको 35 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों 35 नंबर उसका मिलेगा, तो टोटल जो हो जाएंगे वो 70 नंबर हो जाएंगे, कितने में से 200 में से। और बाकी ऐड होगा बोनस 30%, टोटल 100% से मेरिट मिलेंगी बोनस। जैसे मान लीजिए आपने एक साल काम किया है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने एक साल संविदा के आधार पर काम किया है तो उसके आपको 10 मार्क्स, अगर आपने 2 साल काम किया है तो 20, और 3 साल काम किया है तो 30 नंबर। 70 नंबर जो आपके थे, और मान लीजिए 2 साल काम किया है तो 20 नंबर ये जुड़ गए, टोटल हो गए 90। तो दोस्तों 3 साल से ज़्यादा कितना भी हो अधिकतम आपको 30 नंबर ही मिलेगा। और पिछली बार जो 6000 वैकेंसी थी दोस्तों, पिछली बार जो 6000 वैकेंसी आई थी इसी प्रकार से आई थी, उसकी जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो 76% रही थी। अब ये वैकेंसी इससे आधा और आधी से भी आधी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी 6000 पदों पर आई थी उस समय 76% इसकी कट ऑफ रही थी, तो आप ये मानिए इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप लोगों की रहने वाली है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 85 से अबोव। जिसके 85% से अबोव नंबर है वही इस एग्ज़ाम, इस मेरिट बेस वैकेंसी को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करें, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया एग्ज़ाम पैटर्न से ही होनी चाहिए। अब जब संविदा वालों के लिए अलग से सेवा नियम बनाकर राजस्थान सरकार ने नियमित के आदेश कर दिए तो अब बोनस की बात करना भी गलत है। जिसमें योग्यता है एग्ज़ाम पास करें, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है दोस्तों, एकदम योग्यताधारियों को ही इसके अंदर जॉब मिलनी चाहिए। और दोस्तों संविदा प्रथा के अंदर जो मार्क्स दे के प्रलोभन दिया जाता है और काम करवाया जाता है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 14 साल से फ्रेशर नर्सिंग बेरोजगार अभी तक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, और जो 14 साल से नर्सिंग कैंडिडेट अभी तक जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो अभी तक बेरोजगार है और अन्य राज्यों में जाके वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की इस वीडियो के लिए क्या राय है और आप लोग इस वैकेंसी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।